हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिबा। आज हम पिक्चर कंपोजिशन के बारे में बात करने आए हैं। पहले तो हम ये बता देती हूँ कि पिक्चर कंपोजिशन होता क्या है। तो पिक्चर कंपोजिशन में होता यह है कि कोई भी एक पिक्चर या एक से ज़्यादा पिक्चर बच्चे को बना के दे दी जाती है, प्रिंटेड पिक्चर होती है एग्ज़ाम में, और उस पिक्चर के बारे में जो भी उसमें बनाए बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करके लिखना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या हो रहा है बच्चे को लिखना होता है। तो भी इतनी बड़ी पिक्चर को बच्चे को लिखने से पहले पिक्चर कंपोजिशन आनी चाहिए, और छोटी छोटी पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को हम वो सिखा सकते हैं। क्लास वन से स्टार्ट हो जाता है पिक्चर कंपोजिशन, तो क्यों ना हम अपने बच्चे को UKG से ही स्टार्ट कर दें। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्रैंड मदर इज़ कुकिंग फूड, ग्रैंड फादर इज़ टॉकिंग विद हर ग्रैंड डॉटर। इस तरह से हम पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी पिक्चर्स के थ्रू अपने बच्चे को पिक्चर कंपोजिशन सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने बॉल बनाया है, यहाँ पर काइट है, यहाँ पर डॉग है। इसके चार सेंटेंस हम बच्चे को लिखने के लिए देंगे, और हम इतना स्मार्टली बच्चे को देंगे कि बच्चा हमारा इसे बहुत ईजिली कर ले। कुछ सेंटेंस हम बच्चे को बिल्कुल लर्न करा देंगे। मतलब लर्न कराने का मतलब ये है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो बच्चे को हर बार लिखना होगा, जिसलिए वो हर बार वो सेंटेंस जब लिखेगा तो धीरे धीरे ही ग्रो करेगा, वो धीरे धीरे सीखेगा पिक्चर कंपोजिशन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ये क्या है हम ये बताएंगे। तो यहाँ पर ये बॉल बना हुआ है, तो फर्स्ट सेंटेंस में बताएंगे बच्चे को कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखना है दिस इज अ बॉल। सेकेंड सेंटेंस में हम इसका कलर लिख सकते हैं कि इट इज रेड इन कलर। थर्ड सेंटेंस में बच्चे को बॉल से खेलना पसंद होता, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि तुम थर्ड सेंटेंस में तुम्हें इसे खेलना पसंद है, तो तुम ये लिख सकते हो आई प्ले विद इट। और लास्ट सेंटेंस में आई लव माई बॉल वेरी मच। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस के थ्रू बच्चा हमारा पिक्चर कंपोजिशन सीख जाएगा। हमें बहुत सारी पिक्चर्स बना कर देनी है, जो उसका फेवरेट टॉय है हम दे सकते हैं, कोई पेट एनिमल दे सकते हैं, और चार सेंटेंस या पांच सेंटेंस लिखने के लिए उसको इनकरेज कर सकते हैं। अब काइट के लिए हम सबसे पहले लिख देंगे इट इज़ अ काइट, इट इज़ ब्लू इन कलर, I fly it with my brother, या with my sister, या father. I love my kite. अब आप अगर इन दोनों को टैली करेंगे तो this is a ball, it is a kite, या this is a kite, it is red in color, it is blue in color, I play with it, I fly it with my brother, I love my ball, I love my kite. तो ये कुछ सेंटेंसेस सेम हैं, तो बच्चा लिखने से पहले घबराएगा नहीं कि मैं कैसे लिखूंगा, मैं पिक्चर कंपोजिशन कैसे करूंगा। तो हम UKG से ऐसे सिंपल सेंटेंस से अपने बच्चे को पिक्चर कंपोजिशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दो तीन पिक्चर्स एक साथ बनाकर दे सकते हैं, या किसी बुक से कोई पिक्चर पकड़ा सकते हैं कि इस पिक्चर पर हमें लिख कर दो, इसे लिख कर दो, ऐसे ही है एक तरह का, मगर पिक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट है डॉग, दिस इज माई डॉग, इट इज ब्राउन इन कलर, इट्स नेम इज ब्रूनो, या कुछ भी नाम जो भी आपके बच्चे को अच्छा लगे। आई लव टू प्ले विद इट। लास्ट पिक्चर मैंने बनाई है एप्पल की, तो इस पे भी हम लिख सकते हैं इट इज एन एप्पल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ आ एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा। ए एन का कॉन्सेप्ट अगर आपने बच्चे को क्लियर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ सो स्वीट, आई लव टू ईट इट। तो बहुत सिंपल से सेंटेंस से कोई भी बच्चा कर सकता है। बस सिर्फ इतना आपको करना है कि रोज़ कोई भी एक पिक्चर बनाकर देनी है जिस पे आपका बच्चा
लिख दे चार लाइंस, और बच्चे को इनकरेज करना है लिखने के लिए कुछ लाइन हम उसे बता सकते हैं कि पहले तो तुम्हें यही लिखना है वो क्या है, फिर उसका कलर लिखना है, दो चीज़ तो यही लिखना है, उसके बाद टॉय है तो आई लव टू प्ले विद इट, खाने की चीज़ है तो आई लव टू ईट इट, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हम रटा सकते हैं बच्चे को, वो लिखते लिखते ही सीखेगा और फिर बाद में वो बड़ी से बड़ी पिक्चर कंपोजिशन वो कर लेगा पिक्चर से। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।